अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैंने बहुत ज़्यादा गेमें खेली हैं, उनमें से एक या दो गेम अच्छी गई हैं, बाकी तो भाई अच्छी गई नहीं हुई। इस वजह से भाई अपना जो माउस पैड है वो खराब हो गया है और जो नया माउस लिया है भाई उस पर अभी स्मूथली हाथ बैठ नहीं रहा, तो इस वजह से भाई बुइया नहीं हो पा रहा था। बाकी वीडियो आज का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे ऊपर कर लेना है आप लोगों ने। बाकी यहाँ पे चेक करो भाई, बैजन से उतरते साथ ही क्या 1v4 मारा था। इसके बाद भाई नेक्स्ट गेम के ऊपर चलते हैं, वो बहुत ही अच्छा गई थी। ओके, एक बंदे को ओनली रेड नंबर, एक और भी आ रहा है तो इसको सबसे पहले कंफर्म कर लेते हैं ताकि इसके बैग से भाई ग्लूवल वगैरह मिल जाए। अगर ग्लूवल मिल जाते हैं तो भाई काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने एक नहीं दो से ज्यादा बंदे देखे थे, एक तो आई थिंक एल शेप के ऊपर चला गया है और इनकी लोकेशन भी आ रही है, तो इनको भाई ग्रेनेड मिले थे, इन हुक करके फेंके गया आई थिंक। 80 का डैमेज जरूर आया है, इसको पकड़ते हैं सबसे पहले क्योंकि छोड़ना नहीं है भाई, एक दफा हम लोग जब रश पे आ जाते हैं। ओए जैरी भाई मैडी लगा रहा है फालतू में, पता भी नहीं है इसको बंदा इधर ही है। एक और बंदा आया है, अच्छा बंदा है, बॉडी स्प्रे और एक ही रहता है, इसको मारते ऐसे स्क्वाड पूरा हो जाना है। चलो गया भाई, यहाँ पे स्क्वाड 1v4 वाइप आउट हो चुका है। बाकी गाइस इस गेम के अंदर कुछ खासा करा नहीं, जैसा कि शुरू में बताया माउस की दिक्कत थी, तो दूसरी गेम में चलते हैं। ओके गाइस, इस गेम में हम लोगों ने लूट वगैरह कर लिया। सामने की साइड एक बंदा और ये भाई वो यूज कर रहा था जिसको वो बोलते हैं मशरूम, बट इसको सिर्फ एम लेके हम लोगों ने रेड नंबर्स मारे और इसका टीममेट भी अभी है तो उसको मारना बनता था, पंगे ले रहा था वो फ्री में। अच्छा डैमेज पड़ा है और इसकी ग्लू तोड़ देते हैं भाई। आजकल जो न्यू स्किल आई है अपडेट के बाद, उसके बाद अगर आप लोग ग्लू तोड़ते तो 40+ का डैमेज बंदे को देखने को मिलता है, यानी कि अगर उसकी 41 रह गई है तो वो खुद ब खुद ही नॉक हो जाएगा अगर आप उसकी ग्लू वगैरह तोड़ते हो तो। ओके, यहाँ पे भाई दो किल अपने डन थे और यहाँ पे आयशा को किसी ने नॉक करा है और पैंथर के ऊपर रश के लिए आए हैं दो बंदे, एक नॉक हो गया है, दूसरे को काफी अच्छा डैमेज, बट ये आई थिंक भागने की ट्राई कर रहा है। ओहो, मैंने बोला था ना ग्लू के पास होता था। चलो किया, फिर भी अगर बंदा भाई ग्लू के पास रुकता तो फिर भी इसको 40 का डैमेज पड़ना था, जैसे कि शुरू में मैंने बोला है। और इस गेम के अंदर दो से ज्यादा टिकटॉकर आए हुए थे, एक तो मैं अपना नाम तो नहीं शामिल कर रहा इसमें, मैं शामिल करूंगा तो तीन हो जाने, बाकी भाई इसके अलावा भी काफी अच्छे प्लेयर्स इस गेम में देखने को मिले थे। तो एंड तक देखना है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, बिल नोटिफिकेशन भी ऑल के ऊपर कर लो। अगेन गाइस मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अपने जैसे ही 5K फॉलोअर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, 5000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे कंप्लीट हो गए तो हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम करेंगे और 3 से 4 घंटे भाई आप लोगों के साथ गेम खेलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दो और 5K फॉलोअर्स भाई कंप्लीट करो। अभी तो वॉच टाइम अपना पता नहीं 200-300 घंटे ही हुआ है और इसको 4000 करने हैं भाई। ओके, यहाँ पे एक बंदा आया था, अच्छा हेडशॉट भाई, गाड़ी लेके स्पेशल इधर ढूंढने के लिए आया था, बट बेचारे को पता नहीं हम लोग इस साइड से पत्थर की साइड से आ रहे हैं और फ्री में भाई इसने अपने को किल दिया है। तो इसके साथ 5 किल जरूर डन हो चुके हैं और अभी भी 27+ अलाइव है। प्लस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई स्क्वाड गेम है और ग्रैंड मास्टर लॉबी है, अगर एक भी प्लेयर मरता है तो बाकी टीममेट उसको सबसे पहले रिवाइव करा देते हैं। तो इस वजह से भाई ग्रैंड मास्टर लॉबी में एंड जोन तक आपको 20+ बंदे देखने को मिलते हैं और अगर ये बरमूडा मैप हो तो उसमें तो भाई आप लोगों को 30 से 40 बंदे भी देखने को मिल सकते हैं लास्ट जोन के अंदर। ओके, एक और बंदा यहाँ पे बनी आई थिंक जा रहा था नीचे की साइड, ये रहा। ओहो, बनी नहीं है ये भाई, शकूरा कुछ इस तरीके का शकूरा बंडल है, पूरा नाम तो नहीं आता, जिनको आता है भाई कॉमेंट में बता देना है क्योंकि इतने बंडल्स के नाम याद नहीं है मुझे। काफी सारे प्लेयर ऐसे हैं मैंने देखा है भाई सारे बंडल्स के नाम याद होते हैं उनको, लेकिन भाई अपना सीन ये है कि भाई सिर्फ गेम पे फोकस होता है, बाकी आलतू फालतू की चीज़ें भाई नाम याद ना रखें भी तो भी अपना गेम का गुजारा हो रहा है। अभी तक हो गया तो भाई आगे भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा। बाकी 6 किल जरूर डन हो चुके हैं, बंडल का नाम याद हो तो वो अलग ही स्वैग होता है कॉमेंट्री करते वक्त। बाकी जिन जिन लोगों को कॉमेंट्री अच्छी लग रही है यार नीचे नाइस कॉमेंट करना है कि हाँ भाई कंटिन्यू करो इंशाल्लाह, ये फलान कुछ अच्छा भी लिख दिया करो यार। एक और बंदा जिसको डैमेज हो, चलो एक ही गोली पड़ी और यहाँ पे 7वां किल भी आई थिंक कंफर्म हो जाना है अगर ये बंदा क्लियर होता है तो। चलो 7वां किल यहाँ पे गाइस फाइनली कंफर्म हो चुका है और यहाँ पे ड्रॉप को तोड़ते हैं भाई। ओहो, एक और आया, लैंड कर गए क्या, इस साइड में था। चलो मेरा किल चोरी, ओहो एक और है अभी, मेरा किल चोरी करने की भाई दो बंदों ने ट्राई करी और उनमें से एक नॉक है। एक और इस साइड पे हल्का सा डैमेज जरूर पड़ा है, ये कवर वाला बंदा तंग करेगा क्योंकि जो नॉक पड़ा है ना, 8 किल जरूर है। ओके, ग्लू वॉल तोड़ दिए गाइस। अरे इस साइड पे भी एक आ गया है,
क्या भाई, कोई फायदा नहीं हो ऊपर वाले बंदे को। अगर आपके पास ग्रूजा एक्स हो तो भाई जीएम के सामने नहीं आने का, यानी कि मेरे पास अगर हो तो, और अगर आपके पास हो तो भाई इसको चलाना सीख लो। ये भाई गलत करा है, मैंने स्कोप ऑन करा था भाई, उसको ऑफ कर दिया इस वजह से। अगर स्कोप ऑन होता तो इसको 40 प्लस का डैमेज पड़ना था। बाकी भाई बंदा चेक कर रहे हो कितना डैमेज दे रहा है, और लेवल 2 की वजह से यहाँ पे टीममेट की हेल्प जरूर करने की ट्राई करी, बट नाकाम रहे हैं भाई। 8 किल डन है और 26 अभी तक कल आए हुए। अगर यहाँ पे थोड़ा सा टीममेट हेल्प करते तो इजीली ये वाला गेम भुया हो पाता, बट नहीं हुआ। चेक करो बाकी 9 डन है, ऊपर वाला कन्फर्म हो गया। ओके यहाँ पे एक और कन्फर्म, नहीं नॉक है यार। यहाँ पे ग्लूअल भाई चेक कर रहे हो, बहुत नीचे लगे और किसी ने ग्रूजा से ही मारा अपने को। तो 10 किल गाइस इस गेम के अंदर भी निकाले हैं। बाकी टीममेट ने भाई एंड जोन तक भाई गाड़ी लेके घुमाता रही है, ऐसे चिमकांडी रैंडम आ जाते हैं ना, फिर गेम का जो मजे ना खराब कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे। बाकी कोई ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बिल नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर कर लेना है। और इस बंदे ने भाई ना तो रिवाइव की कोशिश करी है, बस गाड़ी लेके घुमाता रहा, पता नहीं करना क्या चाह रहा था। इसको बोल रहा हूँ सोलो डेयर पकड़ ले, अगर इसने सोलो डेयर पकड़ा होता तो ईजिली भाई हम लोग वहाँ से रिवाइव हो जाते। एट द एंड भाई इस बंदे ने गाड़ी जाके मारी है बंदों के अंदर, और वहाँ पे जाके इसकी बंदों ने ना सिर्फ गाड़ी तोड़ी है बल्कि इसको तोड़ा जोड़ा और फिर मरोड़ के फिर फेंका इसको। तो वहाँ पे भाई इसने हार मान ली थी, मर गया था भाई, ये चेक करो। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं करा तो अगेन सब्सक्राइब कर लो।